गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारे वीडियो के फ्रेंड्स में देख ही लिया होगा कि हम आज को 7 सितंबर से जुड़े भारत का पूरा इतिहास बताएंगे। इतिहास में 7 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं बताएंगे, राजा महाराजाओं के जन्म स्थान बताएंगे, जन्म डेट बताएंगे, उनके निधन की डेट बताएंगे, 7 सितंबर का दिन, 7 सितंबर के दिन की अशुभ अवसर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पूरे भारत का 7 सितंबर का इतिहास बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, और इस इतिहास में फ्रेंड कोई ना कोई प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो उससे जरूर जुड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे वीडियो को देखिए फ्रेंड, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए फ्रेंड, हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहिए, अपने वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे किरण ऑनलाइन स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। ठीक है, तो हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसके लिए मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं वीडियो में जल्दी स्पीडली बोलूंगा फ्रेंड, और लंबी लिस्ट बन गई इसलिए मैं जल्दी स्पीडली बोलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए, मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 7 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं फ्रेंड्स देखते हैं हम। 1191 में तीसरे धर्म युद्ध में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम ने अरसब के राजा सलाउद्दीन को मात दी थी। 1630 में फ्रेंड अमेरिका के मैचोसेट्स राज्य में बोस्टन शहर की स्थापना की गई। 1701 7 सितंबर की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1812 में बोरोडिनो के युद्ध में नेपोलियन ने रूसी सेना को पराजित किया था। 1813 में अमेरिका के लिए सबसे पहली बार अंकल सैम शब्द का इस्तेमाल न्यूयॉर्क के अखबार ट्रोपेंस्ट किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1822 में ब्राजील ने पुर्तगाल के अधिकार से स्वतंत्रता प्राप्त की। आज का दिन ब्राजील के लिए राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है फ्रेंड्स, 1860 में लेडी एलगन नामक जहाज के लेक मिशिगन में डूब जाने से 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम 1901 में पेकिंग विदेशियों के नियंत्रण में 8 देशों की संयुक्त सेना ने चीन के राजा को बॉक्सर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। बॉक्सर विद्रोह का अंत हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम 1902 में ऑस्ट्रेलिया में भयानक सूखा पड़ने के बाद देश भर के लोगों ने वर्षा के लिए एक साथ ईश्वर से प्रार्थना की थी। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की हुई। ठीक है फ्रेंड, ये प्रश्न आ भी सकता है फ्रेंड, 1906 में 7 सितंबर 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1921 में अमेरिका के न्यू जर्सी में पहली बार औरतों के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिस अमेरिका को कामयाबी मिली। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं 1923 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में इंटरपोल की स्थापना की गई। 1927 फिलियो टेलर ने पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाने में सफलता हासिल की। ठीक है फ्रेंड, 1929 की बात करें फिनलैंड में नाजिम चारवी लेक में कुरो नाम स्टीमर के डूबने से 136 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं 1931 लंदन में गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं हम 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने ब्रिटेन से लड़ाई की अपनी रणनीति परिवर्तित की और लंदन सहित ब्रिटेन के विभिन्न शहरों पर भारी बमबारी की। ठीक है फ्रेंड्स, 1943 टेक्सास के ह्यूस्टन में एक होटल में आग लगने से 45 लोगों की मौत हुई थी। 1950 हंगरी में सभी मठों को बंद किया गया। 1965 चीन ने घोषणा की कि वह भारतीय सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को सुदृढ़ करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1977 इथोपिया ने सोमालिया के साथ राजनयिक संबंध तोड़े थे। 1979 स्कॉट रस्मिल्सल और उनके पिता ब्यू रस्मिल्सल द्वारा स्थापित खेल और मनोरंजन केबल चैनल ESPN ने केबल कार्यक्रम की शुरुआत की। 1998 अंतर संसदीय यूनियन IPU का 100वां सम्मेलन मास्को में प्रारंभ। 1999 एथेंस में 5.9 तीव्रता के भूकंप से 143 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक घायल हो गए तथा 50,000 लोग बेघर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं 2002 में इजाजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने थे। फ्रेंड्स, 2004 की बात करें फ्रेंड्स, तो 2004 में फिजी के विजय सिंह टाइगर वुड्स को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर एक गोल्फर बने थे। 2005 तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच रिपोर्ट पेश हुई थी फ्रेंड्स। 2005 में मिस्र में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्र में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था 7 सितंबर 2005 में। 2016 बेरेंट्स सागर में रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में आग लगने से चालक दल के 2 सदस्य की मौत हुई थी। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत NSG के 45 सदस्य ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के परमाणु व्यापक की छूट दी थी फ्रेंड्स। 2008 में बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य व तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के बीच सिंगूर में टाटा मोटर्स के मामले में सहमति मिली फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं 2008 में कनाडा में जोसेफ के केरोन को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। खगोलविद ने हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच मौजूद विशालकाय ब्लैक होल ने अंदर की साफ साफ देखने में सफलता पाई। 2009 सूखे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने गैर योजना खर्च में 10% की कटौती के आदेश दिए। 2009 भारत के पंकज अडवाणी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का खिताब जीता।
ठीक है फ्रेंड्स, 2009 में 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2007 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किताब निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म कोजीवरम को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं 2012 में दक्षिण पश्चिम चीन में भूकंप से 64 लोग मारे गए, 715 घायल हो गए। 2019 की बात करें, चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर का पृथ्वी से संपर्क टूटा था फ्रेंड्स। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत औरंगाबाद औद्योगिक शहर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं 2019 राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फ्रेंड अपनी 7 सितंबर को जन्मे व्यक्ति की। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1533 ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जन्म लंदन के ग्रीनविच में हुआ। 1826 की बात करें फ्रेंड, राजनारायण बोस बांग्ला बादशाह के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक थे। 1887 की बात करें, गोपीनाथ कविराज संस्कृत के विद्वान और महादार्शनिक थे। 1889 भारत चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। 1911 टोडर जीको बुल्गारिया के 36वें प्रधानमंत्री थे। 1917 बानो जहांगीर कोयाजी भारतीय चिकित्सा विज्ञान तथा वैज्ञानिक तथा परिवार नियोजन के विशेषज्ञ थे। 1933 की बात करें फ्रेंड्स, तो इला रमेश भट्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता महिला और लघु वित्त आंदोलन की सम्मानित नेता। 1934 की बात करें फ्रेंड्स अपन 1934 की, तो बी.आर. इशारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। 1948 की बात करें, मम्मूटी मलयालम फिल्म अभिनेता थे। 1950 की बात करें, अनिल चौधरी प्रसिद्ध लेखक नाट्य निर्माता तथा निर्देशक थे। 1963 की बात करें, निर्जय भनोट अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका थे। 1976 की बात करें, वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर वोवेल हाइंड्स का जमैका में जन्म हुआ। 1945 उन्होंने 45 टेस्ट में 2608 और 119 वनडे में 2880 रन बने थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें 7 सितंबर को हुए निधन की बात करें फ्रेंड्स, तो निधन की बात करते क्या होता है फ्रेंड्स, 1997 मोबुतू सेसिको जेर के राष्ट्रपति थे। 1998 के एम चांडी स्वतंत्रता सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे। 2013 की बात करें फ्रेंड्स, तो रोमेश भंडारी त्रिपुरा गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें 2019 की, तो कथक डांसर एक्टर वीरू कृष्णन का निधन हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं 7 सितंबर की महत्वपूर्ण अवसर की फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण अवसर में क्या है फ्रेंड्स, गुरु श्री अंगद देव गुरियाई दिवस यानी कि प्राचीन परंपरा अनुसार है फ्रेंड। ये बात करते हैं संत टुकड़ोजी महाराज की पुण्यतिथि तिथि के अनुसार है फ्रेंड ये। नेक्स्ट बात करते हैं वीर निर्जय भनोट जयंती अशोक चक्र विजेता, ये बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ब्राजील राष्ट्रीय दिवस है आज, विश्व माफी दिवस 14 सितंबर आदि का भी वर्णन है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम आपको एक बात और बताते हैं फ्रेंड्स कि इसे बनाने में हमारे एजुकेशन जो की जो टीम है फ्रेंड्स, एडमिन फिनल की जो टीम है, उसने बहुत सावधानी रखी है सारी तिथि और सब कुछ सही तरह से बनाने में। और